डांस चल रही है। ओ भाई ए चश्मा टूट गया था अभी। तो भाई ये है मिस्टर कान्हा और इनको बलून चाहिए बहुत बड़ा। तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज चुके 11 और अभी जस्ट सो के उठा हूं और अभी मनोज का कॉल आया हुआ था तो अभी जाना है उसके यहां पे। तो कल रात मैं ना जागरण से काफी लेट लौट के आया हूं पर नींद अभी भी आ रही है लेकिन अभी कुछ काम है तो मनोज के यहाँ पे जाता हूँ देखता हूँ काम वगैरह क्या है और फिर निकलते हैं भाई दुकान के लिए। तो चलिए गाइस रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं मनोज के यहाँ पे। तो भाई ये है मिस्टर कान्हा और इनको बलून चाहिए बहुत बड़ा। टेंशन ना लो मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ आ रहे हैं तो इसको बड़ा तो फुला के दो उसको देखो गुस्सा के का नाम क्या होगा ना। ये देखो गद्दा बड़ा फुला के दे रहे हैं बलून। ये देखो इतना बड़ा चलेगा ये देखो आगे अब ये इन महाराज के कलर है। तो भाई अब ये देखो एक ये रहा अब वो अपने कुछ बढ़िया थे और खिलौने लेने गई है दिखाने के लिए क्या होगा कान्हा सलमा के देखो सलमा के भाग गया उधर वो देखो सलमा के भाग गया वो देखो ओहो उसको कान्हा शर्मा गया क्या वो कान्हा बड़े वाले ये देखो क्या करें इनको दोनों फुला दे पहले तुम थोड़ा सा फुला के दिखाओ तुम फुला के दिखाओ दोनों को। तो भाई इनसे बलून नहीं फूल रहे और फुला के दो तो इनको उससे हवा खानी रहती ये देखो अच्छा दोनों को फुला के बांध दे तो भाई किसी को पोस्ट करना हो ना इससे सीखो कैसे पोस्ट किया जाता है। अभी क्या पूछा था तुमने मुझसे भाई इसने मैंने तो पूछा फ्लाइट में गए हो तो मैंने कहा हाँ तो मैंने बोल दिया कि मेरा घर इतना बड़ा है तो तुम क्या तुम मुझसे बोल दी क्या तुम्हारा घर इतना बड़ा तुम तो कहीं भी जा सकते हो फ्लाइट तो क्या फिर तो भाई मैं बहुत गरीब इंसान हूँ मैं बहुत गरीब हूँ 5 लाख सब्सक्राइब। देखो भाई छुटका के लिए 2 गिफ्ट कूल टीम नंबर 1 और सो जा रहा था वो बड़ा हो चुका है एक काना बड़ा हो चुका है छुट्टा छुट्टा। तो भैया आप पता चला मनोज की जिंदगी कैसे कट रही है बलून मारने की जिंदगी बलून में पानी भर के क्या मारो पीछे छोटी सा डांस करके दिखाओ ये देखो भाई तब ये पागलों की देना है किस चीज पे डांस चल रही है को ना कोई गाना है ना कोई कुछ है चाबी की आवाज पे डांस चल रही है। ओ भाई ए चश्मा टूट गया था अभी चश्मा मेरा टूट गया था अभी चश्मा गया था ये देखो भाई देखो एक ये तो शांत हो गया ये तो डांस पे डांस किए पड़ी है भैया ये पागल हो गई है भाई जो व्लॉग बना रहे हैं वो पागल है ये पागल हो गई है भाई ये लड़की पागल है वो मेरी गाड़ी चाबी वहां पे फेंक दी इसने कान्हा गुस्सा गया उधर बैठा गया जाके अकेले भाई इसने मारा है कान्हा को इसने इस लड़की ने मारा है कान्हा को वो देखो कान्हा अकेले उधर लेटा है हाँ तुमने मारा है कान्हा को उसका उससे फोन छीन लिया तुमने अब ये बताओ एक सेकंड हाँ हाँ एक सेकंड कि ये बताओ कि जिसने भी इनका एक नया फोन देखा है उसे उन्हें पता होगा कि मोबाइल तो मैंने छीना नहीं मोबाइल तुमने छीना नहीं कैमरा यहाँ लगाना पड़ेगा मेरा लग रहा है
हाँ तो क्या मतलब तुमने उस वो देखो बेचारा कचौड़ी ला दे ये। अभी एक महीने से कोचिंग नहीं जाएगी लड़की अभी आज से घर क्योंकि मेरी ट्यूशन वाली मैम की गली में पूरा गड्ढा भर गया है। इनके गड्ढा नहीं किचड़ हो गया, किचड़ हो गया, किचड़ किचड़ हो गया। एक दिन और फिर से माटी डाल दी और बस अब जब भी बारिश होती है तब सांप निकल आता है और वो भी इनके जो व्लॉग बना रहे हैं स्काई वर्मा चैनल उनके पास सांप आ गया था। और भाई मेरे पास सांप नहीं आया झूठी झूठी बातें बोल रही है। ये देखो बेचारी डक जो कि यहाँ भाग आई है। सुनो सुनाओ जिंदगी में ना कभी भी दूर से मैं तुम्हारे चश्मा देखा नहीं 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 फेस दिखाओ ना। मैं बताऊँ एक बात कि क्या कहीं भी जाओ तो सीधा मम्मी को लेके जाओ क्या पता ऐसे जगह जाओ कि मम्मी वहीं चप्पल मारने लगे। तो दूर से ये बात बोलो ना मैं कम से कम किसी एक पर्सन को कवर तो करो। हाँ बोलो क्या ये ना आरोही एक ज्ञान दे रही है थोड़ा पीछे से आरोही अपना ज्ञान देना मैं सुन रहा हूँ। ज्ञान हाँ ज्ञान घर की बात हो रही है। कहीं जाना तो अपनी मम्मी को साथ लेके जाना वापस आके ना मम्मी के चप्पल ना खाने पड़े। भाई अभी आरोही ने ये मेरे को ज्ञान दिया मेरी मम्मी मुझे चप्पल नहीं मारती इसकी मम्मी इसको जूते मारती है। पर ये जो है ना पहले ये हॉकी से मारता था पर अब ये बेल्ट में मारता है बेल्ट से इसको बेल्ट से मारता पहले हॉकी से मारता पर ये जब भी देखो जब इसके खिलौने खेलो तभी ऐसे थोले जाए जाए ये कमरा नहीं है जा से जा मैं अपने पापा को बुलाई। ये देखो क्या बता दिए अब मुंह अपना बना के तू जिस दिन ऐसा अपने कर रहा था वो हंस रहा था वो करके हाँ हाँ ये ना ये अपने कमरे से अबोही को भगा देता है क्योंकि मैं इसको अपने कमरे से अब तक नहीं भगाऊंगी तब तक ये भी नहीं सुन रहा। हाँ तो अब अबोही ना काना को अपने कमरे से भी भगा देगी। मैं इसलिए आज नीचे आई हूँ क्योंकि आज मुझे कोचिंग में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज मेरी ट्यूशन वाली मैम ट्रेनिंग करने गई है। ट्रेनिंग करती है आदमी की इसकी मैं मालमी की ट्रेनिंग कर रही है। गुच्ची सस्ते अरमानी भाई सस्ते गुच्ची सस्ते अरमानी के शोरूम में भैया सुझे भैया भी लेवन यहाँ पे दे देते हैं हमको न्यूयॉर्क टू इंडिया डायरेक्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क। यार मीना फ्री के कपड़े देते वो ये हेलो भाई सस्ता आदमी मतलब सस्ते कपड़े भाई सस्ता आदमी नहीं सस्ते कपड़े नहीं बढ़िया लगा लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए है ये भाई कभी हम लोगों के लिए भी कुछ रखा करो यार। तो भाई आज हजरतगंज में कुछ ज्यादा ही भीड़ हो रखी है और पता नहीं किस चीज की है भीड़। सही है हमारे सामने भाई डिवीजन ऑफिस तो फिर आ जाएगा मार्केट घूमने। तो भाई ये रहा यहाँ का हेजलनट फैक्ट्री। तो जाना था मैं सिकंजी पीने लेकिन हमने सोचा पहले थोड़ा मार्केट घूमते उसके बाद सिकंजी पीने जाते हैं। तो भाई फिर से एक बार अपने यही मार्केट भाई रिपीट एंड रिपीट सस्ता सब्जी मैं 150 रुपए की सिक्का देगा मैक्सी 150 100 तो मैक्सी 100 का सर्ट भाई 100 रुपए 100 रुपए की सर्ट 100 रुपए की मैक्सी भाई 100 रुपए की ये भी तुम्हें ये सर्ट है भाई 150 की भाई हर एक माल खरीदो 150 रुपए 150 रुपए फिर 250 रुपए की कुर्ती है 250 रुपए की कुर्ती बहुत ज़्यादा सस्ता ही है। फिर रमजान के अंदर बॉयज की मार्केट भाई
भाई फर्स्ट कॉपी सारा आइटम मिलता है यहाँ पर, भाई मस्त डिस्काउंट पे सस्ते सस्ते लेके जाओ यार। तो भाई हमें देखने क्या शूज भी शूज है बस यहाँ पर, ये तो देंगे तो भी बढ़िया है। ये भाई ये कितने का है, जॉर्डन वाला रेड वाला? ये वाला कितने, 1850 का? और भाई ये एडिडास वाला 1450, बढ़िया है, खरीद दो यार कोई तो आओ खरीद जाओ।